सब्सक्राइब करिए टेक्निकल गोपी यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को, देखिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं गोपी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल गोपी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं, वो भी दोस्तों कुछ ही सेकंड में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको सिंपली गूगल में सर्च करना है इनकम टैक्स एफिलिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सर्च कर देना है, उसका जो आपको फर्स्ट लिंक दिख रहा है ये वाला, आपको इस पर क्लिक करना है, इसको ओपन करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये साइट ओपन चुकी है, उसका यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है लिंक आधार, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो अपना पैन कार्ड नंबर है यहाँ पर डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है अपना, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है नेम ऐसे पर आधार, जहाँ पर जो आपका आधार कार्ड पर आपका नाम है वो यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, इसका मतलब है दोस्तों भी जैसे अगर आपके आधार कार्ड पर पूरी प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है तो इसको रहने दीजिए, अगर ओनली लिखा हुआ है 1997 ये लिखा है 1996 तो यहाँ पर आप इसे टिक कर दें, अगर डेट पूरी लिखी है तो रहने दें, अगर नहीं लिखा ओनली ये लिखा है तो यहाँ पर आप टिक कर दें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो कैप्चा भरना है, कैप्चा भरने के बाद आपको यहाँ पर जो भी आप कैप्चा है तो यहाँ पर आप लिंक आधार पर क्लिक करें तो आपका जो पैन कार्ड है आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टिक्स लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।